स्पेशल में बनने जा रहे हैं मटन सीख कबाब। तो इस ईद पर आप बनाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। तो देखिए, मैं यहाँ मेरे पास है 750 ग्राम मटन मिंस है, जिसे मैंने बिल्कुल खुश करके लिया है। इसे अच्छे से धो के हाथों से ऐसे निचोड़ कर लिया है। बिल्कुल किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए जब हम कबाब बनाते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पानी किसी भी चीज़ में ना हो। यहाँ मैंने बारीक प्याज चॉप किए हैं ये चॉपर में, तो मैं इनका पहले पानी निकाल लूँगी इस तरह से। सारे हमें प्याज इसी तरह से खुश्क करके लेने हैं। कोशिश करें कि आप धनिया पुदीना जो भी लें वो भी बिल्कुल खुश्क किया हुआ हो, धो के आप उसको अच्छे से डिश कर लें। मैं यहाँ प्याज का सारा पानी निचोड़ ले रही हूँ। तो बस यहाँ मैंने प्याज बिल्कुल खुश्क करके ले लिए हैं। तो अब इसमें हम अपने सारे मसाले शामिल करते हैं एक एक करके। यहाँ मेरे पास हरा धनिया और पुदीने के पत्ते हैं बारीक कटे हुए, ये इसमें शामिल कर देंगे हम। इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये घर का पिसा हुआ मसाला है, गरम मसाला। ये इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून भर के, टीस्पून भर के है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के है धनिया पाउडर। मेरे पास यहाँ चिली फ्लेक्स, ये भी इसमें जाएगी, इसके बहुत अच्छी लगती है ये कबाब में। और यहाँ मेरे पास एक बड़ा नींबू है, ये तो ये आधे नींबू का रस इसमें शामिल करती हूँ। और यहाँ मेरे पास है 5-6 हरी मिर्च, जो इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है बिल्कुल, ये इसमें शामिल कर देती हूँ। ये सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, इसमें इसकी मिक्सिंग जो है बहुत अच्छे से करनी है। आप कोई भी कबाब बनाएं उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग हमें इसकी कम से कम 5 मिनट तक करनी है। आप जितना अच्छा मसालों को अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनकर आएंगे। टीमे के अंदर फैट मैंने शामिल करवा लिया था जब मशीन में निकला था, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और शामिल करूंगी इसमें। आप जब भी कीमा बनवाएं तो अपने बुचर से बोलिए कि उसमें फैट शामिल कर दे, 20% फैट आप उसमें डलवा लें। तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, तमाम मसाले सब बिल्कुल एक साथ एक जान हो जाने चाहिए। ये थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच यहाँ देसी घी शामिल कर देती हूँ इसमें और इसकी मिक्सिंग करती हूँ। तो बस यहाँ हो चुकी है हमारे कीमे और मसालों की बहुत अच्छे से मिक्सिंग। लगातार मैं 5-7 मिनट से इसको मिक्स कर रही हूँ। बस यही सीक्रेट है हमारे कबाब अच्छे बनने का, एक तो इंग्रेडिएंट होने चाहिए इसमें और बस इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बस मैं इसे 5 मिनट रेस्ट दे के इसके कबाब बनाती हूँ। तो बस यहाँ जो हमें कबाब बनाना है, आपको जो साइज रखना है अपने कबाब का, यहाँ मेरे पास है चॉप स्टिक, मैं आपको चॉप स्टिक में बनाकर दिखा रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो आप पेंसिल भी ले सकते हैं, और अभी कोई चम्मच हो उसके पीछे की डंडी से भी आप इसको बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको कबाब रखना है आप उस हिसाब से लीजिएगा अमाउंट कीमे का। और बस इस तरह से आप मिक्सिंग अच्छी करेंगे तो देखिए हमारे कबाब कितने बआसानी बनते रहे हैं। ये बस इनको इजीली मैं निकाल लूंगी इस तरह से। अच्छा, अगर आपके पास ये भी नहीं है चॉप स्टिक, तो आपके पास ऐसा कोई वुडन हो, स्पैटुला या कुछ भी इस तरह का जिसकी गोल डंडी हो, तो इस पर भी हमें लगाकर दिखाती हूँ आपको कबाब। हमें फिर भी लगाकर दिखाती हूँ मैं। तो इस तरह से हमें कीमे को इस पर लगाना है इस तरह से। ये देखिए, ये बआसानी लग जाता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो चीज़, आप उससे अपने कबाब बना सकती हैं। ये बहुत शानदार लगते हैं कबाब, बहुत जायकेदार होते हैं। आप एक बार मेरी रेसिपी फॉलो करके देखिए, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।
बस अब ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, आसानी से निकल जाता है। ये रहा, इसी तरह से मैं अपने सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ बनाकर। दौर दिखा देती हूँ आपको कबाब लगाकर इस पर। इस ईद पर आप ये कबाब बनाइए, क्योंकि हमारे मेन्यू में अगर कबाब शामिल होते हैं तो पूरे दस्तरखान पे चार चांद लग जाते हैं। तो ये इस ईद पर अपने मेन्यू में ज़रूर से शामिल कीजिए सीख कबाब। और ये सबको बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। बस इस तरह से इनको, और ये आसानी से निकल जाता है। ये रहा, इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ। अब एक आपको इस पे चॉपस्टिक पर लगाकर दिखाती हूँ एक कबाब और। ये देखिए चॉपस्टिक पर भी बासानी आप लगा सकते हैं। आपके पास पेंसिल हो तो आप पेंसिल पर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कबाब तैयार हैं यहाँ, मैं इनको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। इनको 15-20 मिनट फ्रिज में रखूँगी। जब ये टाइट हो जाएंगे, थोड़े से सख्त हो जाएंगे, तो फिर हम इनको सेकते हैं। तो बस ये कबाब मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं, और यहाँ मैंने एक पैन रखा है नॉनस्टिक पैन, इस पर डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल, और बस अपने कबाब सेकते हैं। तो बस यहाँ सेक करके हम अपने कबाब रखेंगे। बस इस तरह इनको पलटते हुए हम सेक लेंगे। चारों तरफ से पलटते हुए हर साइड हम अच्छे से सेक लेंगे। बस ये अलग से पलटते हुए हमने अच्छे से सेक लिए हैं। मशीन को कर लेते हैं हम सर हमारे सारे। तो बस यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार जूसी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए आप इस ईद पर अपने मेहमानों के लिए इसे बनाएं, अपने दस्तरखान पे इसे शामिल करें। प्याज का लच्छा, नींबू का रस और चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।